जनरल प्रोसीजर ऐसी है कि जब आप खून मशीन में इंट्रोड्यूस करते हैं तभी मशीन में 500 दफ़ा डाइल्यूशन हो जाता है डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ WBC और हीमोग्लोबिन डिटर्मिनेशन के लिए, और 50,000 टाइम्स डाइल्यूशन होता है रेड ब्लड सेल इंडेक्स और प्लेटलेट काउंट के लिए। तो ये दो डाइल्यूशंस दो चेंबर्स में चले जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के चेंबर में जहाँ पे WBC काउंट होता है वहाँ पे रेड ब्लड सेल्स पूरे नष्ट हो जाते हैं, और राइट हैंड साइड के चेंबर में जो रेड ब्लड सेल्स आपको दिख रहे हैं वो इंटैक्ट रहते हैं। रेड सेल के चेंबर में सभी सेल्स जो 36 फिल्टोलीटर से ज़्यादा है वह रेड सेल्स करके काउंट किए जाते हैं, और जो सेल्स 2 to 20 फिल्टोलीटर साइज में रहते हैं वह प्लेटलेट करके काउंट किए जाते हैं। और ये ध्यान में रखिए कि एक फिल्टोलीटर इज इक्वल टू 10^-15 लीटर्स। तो अब देखिए कि मशीन के अंदर क्या होता है। पहले ब्लड अंदर गया, फिर देखिए यहाँ पे दो चैम्बर में बट गया, उसके बाद में दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं इसके दरमियान सेल्स कैसे जा रहे हैं और स्पाइक्स आ रहे हैं, और हर एक स्पाइक इज इक्वल टू 1 सेल, और ऐसे ग्राफ्स तैयार हो जाते हैं। और अभी हिस्टोग्राम के सभी वैल्यूज के प्रिंसिपल्स एक साथ देखें। RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस प्रिंसिपल, HCT, हिमाटोक्रिट, RBC पल्स हाइट वैल्यू कैलकुलेट करके, MCV कैलकुलेटेड फ्रॉम RBC और हिमाटोक्रिट, MCH कैलकुलेटेड फ्रॉम RBC और हीमोग्लोबिन वैल्यू से, MCHC कैलकुलेटेड फ्रॉम हीमोग्लोबिन और हीमाटोक्रिट वैल्यू से, RDW मीन्स रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ कैलकुलेटेड फ्रॉम RBC डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, और हीमोग्लोबिन जो है वो कलोरमेट्रिक मेथड से करते हैं, आजकल साइनाइड यूज नहीं होता। RDW बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू है, और उसकी ज़्यादा जानकारी आप हमारे बुक में पढ़िए। और देखो देखिए ऊपर जो ग्राफ दिख रहा है उसे कैलकुलेट होता है वो, और यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, और बाकी के जो भी कैलकुलेशंस है उसके फॉर्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं। वाइट ब्लड सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ग्राफ में वो देखिए। क्या होता है कि जैसे ही वाइट ब्लड सेल्स डाइल्यूटिंग फ्लूइड में चले जाते हैं तो उनका ऊपर का कवर निकल जाता है, और जो भी सेल्स है वो 30 to 300 फिल्टोलीटर के साइज के सारे काउंट होते हैं, और 6-6 फिल्टोलीटर के इंक्रीमेंट में उनका सेपरेशन होते रहता है। और मशीन में 3 फ्लोटिंग डिस्क्रिमिनेटर्स रहते हैं जो अलग अलग सेल्स बराबर डिटेक्ट करते हैं, और फिर वाइट ब्लड सेल्स सफ़ेद पेशिका ग्राफ ऐसे निकलता है। लेफ्ट हैंड साइड में है वो लिम्फोसाइट्स, बीच में यूजिनोफिल्स मोनोसाइट्स और बेसोफिल्स, और राइट हैंड साइड में न्यूट्रोफिल्स। पढ़िए वापस। अगला पार्ट हेमेटोलॉजी ऑटो एनालाइजर्स पार्ट 3 देखना ना भूलिए, जिसमें हम आपको ये सारे हिस्टोग्राम्स कैसे पढ़ने कैसे इवैल्यूएट करने इसके लिए जानकारी देंगे। थैंक यू।